स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम टिप्स चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेवी एमआर के लिए टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय तथा दूरी वाला ये टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक में टू बी मोर प्रिसाइज एक टॉपिक है ट्रेन का, ठीक है। रेल संबंधित जो सवाल होते हैं, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोग डेफिनेटली एक नंबर अपना पक्का करके ही जाएंगे वीडियो से। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट भी हैं तो बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसके बेसिकली तीन टाइप हैं, मैं तीनों टाइप बताऊंगा, तीनों के एग्जांपल भी बताऊंगा। आप लोग उसको समझने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब लगभग डेली वीडियो आप लोगों को मिलेगी टॉपिक वाइज मैथ के ऊपर, ठीक है। अभी तक आप लोगों को साइंस में कंप्लीट करा रहा था थ्योरी, और थ्योरी कंप्लीट भी हो गई है। जिन लोगों ने थ्योरी वाली वीडियोस ना देखी हो, टोटल 8 वीडियोस हैं, थ्योरी पूरी उसमें कंप्लीट हो गई, तो आप लोग उसको जरूर निपटा लें। प्लेलिस्ट बना रखी नेवी एमआर साइंस थ्योरी के नाम से, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। शुरू करते हैं। पहला टाइप देखिए, एक मैं आपको टाइप बताने से पहले, इसका जो पूरा फॉर्मूला वगैरह बताने से पहले, मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। देखिए, कई बार क्या रहता होगा ना कि आपको सवाल में दिया रहता है कि एक ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं बेसिकली, और वो एक दूसरे की तरफ इस चाल से आ रही हैं, और उन ट्रेनों की लंबाई इतनी, तो बताइए कि उस दोनों ट्रेन की चाल अलग अलग बताइए कितनी है, ठीक है। क्या दे देंगे कि दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों को आने में इतना समय लग रहा है, ठीक है, तो बताइए चाल कितनी है दोनों की अलग अलग। उस तरह के क्वेश्चन इस मेथड से हल करे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग टाइम भी निकाल सकते हैं, चाहे तो उसमें चाल भी निकाल सकते हैं, ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं, तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, इस फॉर्मूले को याद करना, इससे आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और इसी टाइप पर ही आधारित क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं नेवी एमआर में, आपको सच्चाई में बता दूं। बाकी जो दो टाइप हैं उन पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते जितने इस पे आते हैं, लेकिन बाकी के दो टाइप बहुत ईजी हैं, आप लोग डायरेक्टली उनको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं करनी। L1 एक ट्रेन की लंबाई है, एक दूसरे ट्रेन की लंबाई L2 मीटर है, और ये S1 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और ये जो है S2 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब देखिए, अब इनके द्वारा लगने वाला समय, मान लीजिए एक दूसरे की तरफ ये आ रही हैं, ठीक है, या तो फिर एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उल्टी तरफ जा रही हैं, इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इनके द्वारा लगने वाले समय का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मैं और साफ साफ लिख देता हूँ, L1 प्लस L2 ये लंबाई होगी दोनों ट्रेनों की, बटे में S1, और ये प्लस माइनस ऐसे है, प्लस माइनस ये जो ये साथ में लिखा ना, ये नीचे आएगा माइनस, ये प्लस माइनस S2। अब समझते हैं इस फॉर्मूले में कैसे पुट करना है वैल्यू। L1 लंबाई हो गई दोनों ट्रेनों की, S1 S2 चाल हो गई दोनों ट्रेनों की। अब ये प्लस कब लगेगा, प्लस जब लगेगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन उससे उल्टी दिशा में जा रही है, और माइनस जब लगेगा जब एक दूसरे के करीब आ रही है, इन दिस सेम डायरेक्शन। इस फॉर्मूले को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट आप लोग पुट करेंगे और आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से, हिंदी इंग्लिश वाला कोई इशू नहीं रखना प्लीज़। आप लोग कमेंट करेंगे सर हिंदी में कराइए, इंग्लिश में कराइए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफाइन कर रहा हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा कॉर्पोरेट करके चले, आप लोगों के भाई बंधु हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में भी हैं, जो लोग हिंदी मीडियम में भी हैं, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। दो ट्रेनें हैं, लेंथ दे रखी 110 मीटर 130 मीटर, ट्रैवल करती हैं पैरेलल ट्रैक पे, मान लीजिए ऐसे पैरेलल ट्रैक मतलब समानांतर हैं एक दूसरे के, ऐसे पैरेलल ट्रैक हैं। और इफ़ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, देखिए अभी यहाँ पर क्या बता दिया, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या लगता है, माइनस लगता है, बताया था ना मैंने आपको, माइनस यूज होगा फॉर्मूले में। द फर्स्ट वन विच इज़ फास्टर, जो एक ट्रेन है जो तेज चलती है, उसको 1 मिनट का समय लगता है दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पास करने में, टू पास दी अदर वन कम्प्लीटली, दूसरी ट्रेन को कम्प्लीटली पूरी तरीके से पास करने में 1 मिनट या बोले तो 60 सेकेंड का समय लगता है। इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे पास ईच अदर इन 3 सेकेंड्स, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो 3 सेकेंड लगेगा। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा साइन लगता है, प्लस वाला, अभी बताया था आपको। तो हमको बताना है दोनों स्पीड की, दोनों ट्रेनों की स्पीड अलग अलग क्या होगी। तो ऐसा करते हैं, ये जो 110 से चल रही है इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो फॉर्मूला जैसा मैंने आपको दिखाया था पहले, फिर से दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक, नोट कर लें आप लोग। अब इसको ट्राई करें सवाल को, मैं भी आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय, जो उनकी चाल है अलग अलग, वो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, तो पहले केस में क्या हो रही, माइनस, तो माइनस कर देते हैं हम लोग। चलिए लंबाई लिख देते हैं 110 प्लस 130, और नीचे क्या करना है, माइनस करना है। तो हमको यहाँ पर चाल दे नहीं रखी, वही निकालनी बेसिकली, इस फॉर्मूले में हम लोग वही निकालेंगे। टाइम ये देखिए किसके बराबर होता है, ये टाइम के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर टाइम लिख देते हैं। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सेकंड में लिखा। आप लोग 1 मिनट में 1 मत रख देना, इससे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। इससे एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं हम लोग, 110 प्लस 130। अब उसमें क्या होगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं इसको। इन दोनों को ऐड करें, इसको यहाँ भेजें, इसको डिनोमिनेटर में भेजें, कट पिट के आपको मिलेगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन बनेगी। और दूसरी इक्वेशन, अब इसको नीचे भेजिए, इसको यहाँ भेजिए और इन दोनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर देंगे तो v1 प्लस v2 बराबर में 80 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है और यहाँ से v1 v2 की वैल्यू आप लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बता देता हूँ, ये तो आप लोग कर ही लेंगे, छोटी सी सिंपल मैथ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 4, ठीक। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 80। अब ऐसा एक काम करते हैं हम लोग, ये देखिए तो आपस में कट ही जाएगा, तो 2v1 इज इक्वल टू 80 प्लस 4, बोलो तो 84, या प्लस करना है, ये तो आपको बताया ही होगा, प्लस 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 कर देंगे, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, बाकी ये तो प्लस माइनस कट गया v2 से v2, तो 2v1 इज इक्वल टू 84। तो v1 की यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 42। अब इस 42 को उठा के आप लोग यहाँ रख दीजिए इस वाली क्वेश्चन में, या तो यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रखेंगे तो आपको फिर से इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ वाले यहाँ रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ 42 रख देंगे तो 80 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। तो 42 और 38 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर है। कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा जगह भी ज़्यादा कवर हो जाती है, मेरा बेसिक फंडा रहता है चीज़ों को समझाना, ठीक है। यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, यहाँ से 110 प्लस 130 आप लोग ऐड करेंगे तो 240 आएगा, 240 को आप लोग 60 से भाग दे देंगे तो 60 चौके कितना होता है, 240 होता है। तो उस तरीके से v1 माइनस v2। चलिए दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। इस टाइप में आप लोगों को थ्योरी बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूले से इसको समझ सकते हैं। तो सॉरी, डायरेक्टली क्वेश्चन से आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें बेसिकली क्या फंडा रहता है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड दे रखी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो कितना टाइम लगेगा एक सिग्नल पोल को क्रॉस करने में। इस टाइप के क्वेश्चन में जो ट्रेन की लंबाई होती है, जो ट्रेन की लेंथ होती है, इसी को हम लोग जो है सिग्नल पोल या फिर पोल लेंथ के बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पोल होगा, जो खंभा होगा, वो ट्रेन की, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ट्रेन है और यहाँ से यहाँ जाने में जो दूरी लग रही है, वही वो जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। मतलब 100 मीटर की ट्रेन है तो अगर इस पॉइंट से ट्रेन स्टार्ट कर रही है तो ये पोल भी 100 मीटर दूरी पर ही होगा, ऐसे क्वेश्चन में अजम्पशन मानी जाती है। तो देखिए 100 मीटर दूरी पर है, हमको बताना है क्या टाइम लगेगा। टाइम का सिंपल सा आप लोगों को पता ही है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि दूरी बटे में जो उसकी चाल है। तो अब इसमें क्या करना है, हम लोग सिंपल डिस्टेंस रख देते हैं 100। अब स्पीड कितनी दे रखी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसको तो ऐसे रखेंगे नहीं क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है और यहाँ पर हम लोग को दूरी मीटर में, तो उसको हम लोग एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 5/18 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप सभी लोगों को ये बात पता होगी, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है, स्पीड को यहाँ पर उठा के रख देते हैं, तो 100 नीचे रखेंगे 50/3, तो ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर, यानी कि 300/50, ये कटा इससे 6×5=30, यानी कि 6 सेकंड का समय लगेगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप ये बन जाता है। अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगला टाइप थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन कई बार आ जाते हैं तो आप लोगों को तैयारी अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। तो देखिए इस टाइप में होता क्या है बेसिकली, ये पर दो ट्रेन है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मान लीजिए कोई दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन चली हावड़ा से पटना तक, ठीक, और एक पॉइंट से, ठीक है, और एक दूसरे पॉइंट पर कोई दूसरी ट्रेन है वो वहाँ से चली, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। तो जब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, मान लीजिए उनको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है T1 T2, ठीक है, या फिर उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचने में, हावड़ा से पटना पहुँचने में T1 समय लग रहा है एक ट्रेन को, दूसरे को T2 लग रहा है, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्पीड का अनुपात बताएं, तो स्पीड का अनुपात, स्पीड का जो रेशियो होता है S1 S2 इज इक्वल टू होल रूट बाय T2 बाय T1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बस आपको इतना समझना है कि S1 S2 जो है, ये ए ट्रेन मान लेते हैं, ये बी ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है, ये जा रही है हावड़ा से पटना, ये जा रही है पटना से हावड़ा, S1 इसकी चाल है, S2 इसकी चाल है, और T1 ए का लगने वाला समय है, T2 जो है वो बी द्वारा लगने वाला समय है। बस इसको हमको रेशियो बतानी स्पीड को, डायरेक्टली हम लोग उठा के इसमें जो इनका जो T1 T2 टाइम है वो उठा के डायरेक्टली हम रख देंगे, अब हमको डायरेक्टली इसमें जो है आंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं हम लोग। ओके, तो इसमें जो है T1 टाइम जो हम लोग इसको लेंगे 9 आवर्स को, और ये आपका 16 आवर्स है, 16 घंटे, ठीक है, मिसप्रिंट है, 26 नहीं 16 घंटे, तो 16 घंटे को हम लोग T2 ले लेंगे। तो इसमें क्या, 16/9 रखना है हम लोगों को। अब देखिए इसका रूट करना है, तो रूट हटाने के लिए, बेसिकली स्क्वायर रूट हटाने के लिए
ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना, मतलब इस पर रूट डाल देंगे तो 4 × 4 3 × 3 वो हो जाएगा। तो रूट हटा दिया हमने तो 4:3 का अनुपात यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये 16 घंटे ध्यान रखना, इस पॉइंट पर ना आप लोग क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 4:3 का अनुपात आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, सिंपल आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखें। इस फॉर्मूले में कुछ है भी नहीं बेसिकली, S1:2 जो अनुपात होगा वो बराबर होगा होल रूट T2/T1, बस T1/T2 मत करना, T2/T1 रहेगा। आप लोग यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, आप लोगों को स्पीड का अनुपात मिल जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोगों को टाइम का अनुपात दिया है और कह देंगे कि बताइए स्पीड का अनुपात क्या होगा, या फिर आप लोग इससे स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये फॉर्मूला है, इसके हम लोग जब फर्दर और क्वेश्चन करेंगे इन डेप्थ में तो आप लोगों को और अच्छे समझ आएगा। बेसिकली ये तीन टाइप ही रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी स्लाइड्स का। मैं आप लोगों को सारी स्लाइड्स दिखा देता हूं एक बार से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन इसका, इसका और इसका, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस करें, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।